चलिए जी, तो ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स उसमें है, इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स। तो जब हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो एयर इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रल्स। एयर जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो नॉस्ट्रल्स के थ्रू, ये जो नाक में जो दो होल्स हैं नॉस्ट्रल्स के थ्रू अंदर जाते हैं। अच्छा, फिर क्या है, द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रल्स इज फिल्टर्ड बाई फाइन हेयर्स दैट लाइन द पैसेज, दैट लाइन द पैसेज। मतलब जो हमारे नॉस्ट्रल्स हैं, नॉस्ट्रल्स के अंदर बारीक बारीक बहुत फाइन जो है हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, ठीक। और वो पूरे के पूरा जो पैसेज है, मतलब पूरा जो नॉस्ट्रल है यहाँ से लेकर और अंदर तक, जहाँ तक वो हमारा लंग्स में कनेक्ट होता है, तो वहाँ तक उसमें बारीक बारीक छोटे छोटे हेयर्स हैं। अच्छा, वो हेयर्स क्यों है वहाँ पर? उसका हर चीज़ का कोई ना कोई बॉडी में एग्जिस्टेंस का कोई ना कोई रीज़न होता है। वो जो हेयर्स हैं वो इसलिए हैं कि जब हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस के साथ कहीं कोई डर्ट या डस्ट पार्टिकल्स बॉडी के अंदर ना चली जाए, कहीं हम उसको इनहेल ना करें। उसको इनहेल करेंगे तो लंग्स के लिए ठीक नहीं है। तो क्या होता है कि जो वो छोटे छोटे हेयर्स हैं उनमें जो भी डर्ट है या डस्ट पार्टिकल्स है वो उसमें चिपक जाते हैं, उसमें वो रुक जाते हैं। और इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जो सांस जो जाती है अंदर, जो ऑक्सीजन जाती है, फिर वो प्योरेस्ट फॉर्म में अंदर चली जाती है। सेकेंड पॉइंट देखिए, द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस। यही जो फिल्ट्रेशन वाला, जो रिफाइनिंग वाला प्रोसेस है, इस प्रोसेस में एक चीज़ और होती है जो नॉस्ट्रल्स के अंदर होती है, वो होता है म्यूकस। फ्रॉम हियर द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट एंड इन टू द लंग्स। उसके बाद वो थ्रोट में और फिर लंग्स में सीधा चली जाती है। तो म्यूकस का क्या काम होता है? म्यूकस का काम ये होता है, आप कहीं पर भी कोई भी साफ़ सुथरी सरफेस है, उस साफ़ सुथरी सरफेस के ऊपर आप चिकनाई लगा दीजिए, चाहे घी लगा दो, चाहे ऑयल लगा दो, चाहे आप कोई पेट्रोलियम जेली लगा दो, वो आप लगा दें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें उसको। एक डेढ़ घंटे बाद आप देखेंगे उसके ऊपर आकर डस्ट पार्टिकल्स बैठ गए, क्योंकि कोई भी जो ऑयली चीज़ है, ऑयली चीज़ जो है वो डस्ट कैची होती है, तो उसके ऊपर डस्ट आकर बैठ जाता है। तो इसी तरह से जैसे हमने म्यूकस का एक रोल देखा था कि म्यूकस हमारे स्टमक के अंदर की जो लाइनिंग है उस पर भी लगा रहता है, मतलब स्टमक की जो इंटरनल सर्फेस है उस पर भी म्यूकस की एक लेयर होती है। म्यूकस की लेयर जो है वो क्या करती है कि एसिड हमारा जो इंटरनल जो स्टमक है उसको कहीं डिस्टर्ब ना कर दे, उसको कहीं डिस्ट्रॉय ना कर दे, इसलिए वहाँ पर एक म्यूकस की लेयर डिपॉजिटेड रहती है। अब नॉस्ट्रल्स में उसका क्या काम? बड़ी तेज बिजली कड़की है, हमें आवाज़ आई। तो नॉस्ट्रल्स में उसका क्या काम? नॉस्ट्रल्स में जब वो अंदर की तरफ म्यूकस की एक लेयर जब डिपॉजिटेड होती है, तो एक तो जो हेयर्स हैं, जो छोटे छोटे हेयर्स हैं, वो हेयर्स क्या काम करते हैं कि डस्ट को, डर्ट पार्टिकल्स को जो है अब्सॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर रोक लेते हैं। उसके अलावा जो म्यूकस है, वो म्यूकस की पूरी एक लेयर डिपॉजिटेड है नॉस्ट्रल्स में अंदर की तरफ, तो जितना भी डस्ट वगैरह है वो सब कुछ उस पर वो इकट्ठा हो जाता है। आप देखते हैं कि आप नाक को साफ़ करते हैं, उसमें से कचरा निकलता है, तो वो जो कचरा है वो वही चीज़ है, छोटे छोटे डर्ट, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स, वो सब इकट्ठे होते गए तो वो एक जगह इकट्ठा हो गया, ठीक है। अच्छा, जब हम नाक को साफ़ करते हैं, जब पानी से मुँह धोते हैं थोड़ा बहुत जो पानी है वो नाक में भी चला जाता है, फिर हम उसको साफ़ करते हैं, तो नाक साफ़ करने पर आप देखेंगे स्टिकी सब्सटेंस निकलता है। तो वो भी क्या है कि जो म्यूकस है, वो म्यूकस जो है वो अपने अंदर जितना भी डस्ट उसने थ्रू आउट द डे या जितनी देर बाद भी आप नाक को साफ़ कर रहे हैं, वो सारा डस्ट पार्टिकल्स को सबको निकाल देता है, सब बाहर निकल जाता है। तो इससे ये इंश्योर होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो सांस जा रही है वो सांस साफ़ सुथरी ही जा रही है। इसलिए नाक को भी, जैसे हमने डेंटल केयरीज में पढ़ा था कि दांतों को साफ़ करते रहना ज़रूरी है, नाक को भी टाइम टू टाइम साफ़ करना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर जो भी ऑक्सीजन जाए वो प्योर ऑक्सीजन जाए। कभी कभी जो बिजली कड़कती है इसकी मिस्ड कॉल भी आ जाती है, क्योंकि मिस्ड कॉल ही थी, आवाज़ ही नहीं आई इतनी देर हुई। अच्छा, अब आपने सुना होगा जैसे कभी थिएटर में फिल्म देखने पहले बड़ा फ्रीक्वेंटली लोग जाया करते थे 2020 से पहले, जब तक कोरोना नहीं आया था। कोरोना के बाद से बहुत, मतलब लोगों को जाना बहुत बंद हो गया, पिक्चर हॉल्स में बहुत कम जाते हैं, लेकिन जब आप जाते थे तो आपने देखा होगा कि टीवी पर, मतलब जो थिएटर है, थिएटर की स्क्रीन पर एक ऐड आया करता था, उसमें दिखाते थे धूम्रपान से कर्क रोग होता है। जहाँ भी धूम्रपान से कर्क रोग होता है, कर्क रोग मतलब कैंसर, ठीक है, वो जब भी कोई फिल्म वगैरह शुरू होगी तो उसमें वो दिखाते हैं। अब उसका जो रीज़न है, वो रीज़न समझिए क्या होता है। जैसे हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं, तो जब हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पर पेट्रोल व्हीकल्स भी हैं, डीजल व्हीकल्स भी हैं, उनका धुआं भी होता है,
आप ही देखेंगे उनका धुआं भी बुरा लगता है, उनका धुआं भी बुरा लगता है, लेकिन अगर कोई बराबर में सिगरेट पी रहा है तो आपसे खड़ा नहीं हुआ जाएगा, आप कहेंगे मेरे यार यहाँ से ये बड़ा गंदा सा धुआं है। तो उसका रीज़न क्या है? रीज़न क्या है कि वो जो है डायरेक्टली अभी वो जली है, सिगरेट अभी डायरेक्टली जली है और जलकर उसका जो धुआं है वो धुआं आपने इनहेल किया, ठीक है, वो धुआं आपने इनहेल करा। तो जैसे ही आपने इनहेल करा उसको, इनहेल करा तो बिल्कुल मतलब गर्म खोलता हुआ जो स्मोक है वो आपकी बॉडी के अंदर गया, ठीक है। जब वो अंदर जाएगा तो वो माउथ के थ्रू जा रहा है, माउथ के थ्रू जा रहा है, तो माउथ से सीधा लंग्स में कनेक्टेड है, माउथ के लंग्स, माउथ से लंग्स तक वो चला गया। अब होता क्या है, जो नॉस्ट्रल्स है, नॉस्ट्रल्स ऐसे घूमती है, ऐसे जाएगी, ऐसे घूमेगी पीछे से और घूम के पहले थ्रोट को कनेक्ट होगी, थ्रोट के बाद सीधा वो लंग्स को कनेक्ट होगी। इसीलिए एक पैसेज है कि जब हम नॉस्ट्रल से सांस लेते हैं तो वो थ्रोट के थ्रू जाती है और थ्रोट हमारे माउथ से भी कनेक्टेड है, थ्रोट हमारे माउथ से भी कनेक्टेड है, इसीलिए हम मुंह से भी सांस ले सकते हैं, हम नाक से भी सांस ले सकते हैं, दोनों पैसेज खुले हुए हैं, ठीक है। तो जंक्शन है वो थ्रोट है, जंक्शन यानी कि जहाँ पर नॉस्ट्रल्स और जहाँ पर माउथ दोनों जुड़े हुए हैं थ्रोट है, हमारा थ्रोट, ठीक। तो कई बार आपने ये नोटिस करा होगा कि आप निकल कर गए कहीं से और कहीं पर की कुछ गंदगी, कुछ गंदा कुछ पड़ा हुआ है और आपको इतनी तेज स्मेल आई और वो तेज स्मेल जैसे ही आती है तो आप एकदम से थूकते हैं, वो थूकते हैं इस वजह से क्योंकि वो तेज स्मेल की जो सेंसेशन है वो सीधा आपके थ्रोट में भी जाती है और आपको लगता है जैसे आपके मुंह के अंदर ही वो गंदा सा स्वाद आ गया उस चीज़ में, तो आप एकदम थूक देते हैं। तो जो स्मोकिंग का जो रीज़न है, कैंसर वाला, वो रीज़न क्या है कि आपने सिगरेट पिया, आपने उसका धुआं बॉडी के अंदर चला गया लंग्स में, लंग्स में जाने के बाद में लंग्स को तो उम्मीद थी कि ऑक्सीजन आएगा, आप पता नहीं कौन सा धुआं लंग्स को प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, तो जब आप कोई भी चीज़ खींच रहे हैं, कोई भी चीज़ खींच रहे हैं, जब आप इनहेल कर रहे हैं तो साथ में ऑक्सीजन भी जाएगी, चलिए ऑक्सीजन भी चली गई। जब ऑक्सीजन चली गई तो वो जले हुए धुएं को और जला देगी, ऑक्सीजन का तो काम ही जलाने का है, और जलाएगी, और जलने के बाद में फिर अब ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में घूम के आ रहा था, ब्लड आया, ब्लड में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था, उसने कहा यार ये तो कुछ अलग ही धुआं धुआं सा हो रहा है बॉडी के अंदर, है ना, वही मेरे को क्या करना है। तो खैर वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को दे देता है, उधर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को दी, अब वो स्मोक बॉडी में एब्जॉर्ब तो होगी नहीं, जो हमने स्मोक इनहेल करी वो एब्जॉर्ब तो होगी नहीं, तो वो जो एब्जॉर्ब नहीं होगी उससे होगा क्या कि एब्जॉर्ब नहीं हुई तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स हुई और मिक्स होकर सीधे बाहर निकल जाती है, तो हम उसको एक्सहेल कर देते हैं। जैसे ही हमने उसको एक्सहेल करा तो अभी उस स्मोक की प्रॉपर्टी है गर्म है, एकदम खौलती हुई गर्म है, अब वो जब गर्म जब वापस जाएगी तो या तो मुँह से सिगरेट पी के मुँह से ही धुआं बाहर फेंक दो और या फिर नाक से फेंको, तो नाक से भी निकलता है मुँह से भी निकलता है, तो जब वो नाक से निकलेगा तो पूरे नॉस्ट्रल्स के अंदर के जो फाइन हेयर है बहुत बारीक बारीक उनको डैमेज करता हुआ चला जाएगा, ठीक है, उनको डैमेज करता हुआ चला जाएगा। कभी भी आप देखिएगा, कभी गलती से अगर फ्लेम कहीं पर है, मतलब स्टोव की फ्लेम है उसके आसपास अगर कहीं बाल वगैरह उसके आसपास आ जाते हैं तो बाल एकदम से ना सिकुड़ जाते हैं, ठीक है, बाल एकदम से सिकुड़ते हैं। तो बालों का ये है कि हल्की सी भी अगर आपने उनको हीट दे दी तो हीट में क्या होगा, बाल तुरंत डस्ट्रॉय होने शुरू होंगे, तो वो बहुत फाइन हेयर है, बहुत पतले हैं, वो जो भी बंदा स्मोकिंग करेगा वो हेयर तो डैमेज होगा। अभी वो हेयर डैमेज हो गए तो इसका मतलब क्या है कि आपका टू स्टेजेस का फिल्ट्रेशन था नाक में, ठीक है, नॉस्ट्रल में टू स्टेजेस का फिल्ट्रेशन था, एक म्यूकस का, म्यूकस तो चलिए नेचुरल है बॉडी में बनती रहती है, ठीक है, लेकिन जो हेयर थे वो हेयर तो आपने स्मोकिंग कर करके डैमेज कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो भी सांस ले रहे हैं वो सांस जो है वो साथ में डस्ट पार्टिकल्स को भी अंदर ले जाएंगे। अब वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं जिनको म्यूकस में डिपॉजिट हो जाना चाहिए था, नॉस्ट्रल्स के चारों तरफ डिपॉजिट हो जाना चाहिए था, वो म्यूकस में तो डिपॉजिट हो गई, लेकिन कुछ डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो छोटे छोटे हेयर्स में भी डिपॉजिट होते हैं। अब वो हेयर में डिपॉजिट होने की बजाय लंग्स में डिपॉजिट होने लगते हैं, क्यों, क्योंकि आपने स्मोकिंग करके आपने नेचुरल हेयर थे वो तो आपने रिमूव कर दिए, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब वो चीज़ें डिपॉजिट होने लगती हैं तो जैसे ही कोई चीज़ डिपॉजिट होती चली जाती है, एक पार्टिकल आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, होता गया होता गया होता गया, तो हार्ड मास बन जाता है, वो जो हार्ड मास है उसी को ट्यूमर बोलते हैं, वही कैंसर होता है, समझ गए। तो ऐसा हार्ड मास बॉडी में जो डिजॉल्व ना हो पाए उसको हम ट्यूमर बोल देते हैं, लंग्स में डिपॉजिट हो जाता है लंग कैंसर बोल देते हैं, ठीक है, बॉडी के किसी और पार्ट में डिपॉजिट हो जाता है जो भी है, तो बोन में डिपॉजिट हो गया बोन कैंसर बोल देते हैं। तो ये चीज़ होती है स्मोकिंग की, तो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली डेंजरस थिंग है, ठीक है, और लोग जो है उसको फैशन के तौर पर पी लेते हैं, ठीक है।
एक्चुअली उससे उससे जो काम है वो दूसरा होता है, उससे काम जो है वो दूसरा होता है। कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि भाई बड़ा मोटा हो रहा है, बड़ा मोटा हो रहा है, भाई तू बड़ा पतला हो रहा है, बड़ा पतला हो रहा है, कुछ एक्सरसाइज कर ले, कुछ बॉडी बना ले, देख ले बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया सिक्स पैक एब्स लेकर घूम रहे हैं, तो तू भी कुछ बॉडी बना ले। तो उसमें क्या होता है कि आप जाते हो जिम में एक्सरसाइज करने, जिम में जाते हो तो जिम में वहाँ पर एक बड़ा भयंकर सा बॉडी बिल्डर बैठा हुआ है, बेसिकली वो लफंगा है जो बैठा है, बेसिकली इंटरनली वो लफंगा है, मतलब उसने उसको मालूम नहीं है किस तरीके से शरीर का कैसे ध्यान रखा जाता है, लेकिन वो ज्ञान देगा, हाँ लेकिन वो ज्ञान दुनिया भर का देगा आपको। तो आप वहाँ पर जाएंगे और ये जो आपकी एज है, यही जो आपकी एज है उसी एज में रहता है कि बस कैसे भी करके ऋतिक रोशन जैसी बॉडी हो जाए, ठीक है, या जॉन एब्राहम जैसी बॉडी हो जाए, बस कैसे भी करके, बस बॉडी का बड़ा शौक है, ठीक है, क्यों, क्योंकि फिल्म स्टार्स की सबकी बॉडी है तो वो फैसिनेट करते हैं, ठीक है। तो अब जो है वहाँ पर आपको ऐसी चीज़ बताई जाएगी कि भाई मैं बॉडी तो बना लूँगा लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम है। अच्छा, टाइम बहुत कम है, नहीं आपको बॉडी बनाने से पहले, आपको ढंग का ट्रेनर है वो कहेगा नहीं बॉडी बनाने से पहले आपको पहले वार्म अप तो करना पड़ेगा, तो भाई कोई वार्म अप की क्या ज़रूरत होती है, तो वो समझाएगा आपको, कहेगा बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए, बॉडी का ब्रीदिंग रेट, बॉडी का सॉरी हार्ट का पंपिंग रेट बढ़ाने के लिए। तो अब वो कहेगा नहीं नहीं शॉर्टकट बता दो इसका, भाई कॉफ़ी पी लो, ठीक है, कॉफ़ी पीने से क्या होता है, कॉफ़ी पीने से मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, फास्ट हो जाता है तो आप एक्सरसाइज इफेक्टिवली कर पाते हैं। वो कहते हैं कि यार कॉफ़ी कौन बनाएगा, तो कहने लगा अच्छा कॉफ़ी कौन बनाएगा, अच्छा ठीक है, तो जब वो सोच लेगा कि हाँ भाई इसको तो कुछ भी उल्टा सीधा ही तो कुछ भी खाने को तैयार हो, भाई सिगरेट पी ले, तो आपने न जाने कितने सारे, आप अभी छोटे हैं, आप जब जिम में जाएंगे तो हर जिम के कोने में एक कोना बना हुआ होगा सेक्शन, वहाँ पर लड़के खड़े हुए सिगरेट पी रहे होंगे, है ना, और फिर सिगरेट पीने के बाद में फिर एक्सरसाइज करेंगे, अरे वाह बहुत बढ़िया पढ़ा, ठीक है, और अगर उनको दौड़ने के लिए कह दिया जाए आधा किलोमीटर में चक्कर खा कर गिर जाते हैं, क्यों, लंग्स की तो ऐसे तैसी करते सिगरेट पी पी कर, ठीक है, सिर्फ मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया तो आपके जो 15-20 मिनट जो आप वॉकिंग करके, रनिंग करके, जंपिंग करके जो आप अपनी बॉडी का नेचुरली मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं, वो आपने आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ा दिया सिगरेट पी कर, ठीक है। उसके बाद और ज्ञान मिलता है, उसके बाद और ज्ञान मिलता है, ज्ञान ये मिलता है कि जो मसल्स हैं, मसल्स में वाटर रिटेंशन हो जाता है बियर पीने से, एक्सरसाइज करने के बाद भाई बियर पिया करो, ठीक है। तो इतने बढ़िया बढ़िया ज्ञान आपको मिलते हैं जिम में जाने पर, इतने बढ़िया बढ़िया ज्ञान मिलते हैं, तो इन सब चीज़ों से दूर रहिएगा, इन सब चीज़ों से दूर रहिएगा। वो भी फर्मेंटेशन से बनती है, बियर भी फर्मेंटेशन से बनती है, फर्मेंटेशन मतलब किसी चीज़ के सड़ने से, ठीक है, तो अगर कोई सड़ी हुई चीज़ खाएंगे तो वो बॉडी को सड़ाएगी ही अच्छा नहीं कर सकती, ठीक है। इसका एक एक्सेप्शन भी है, इसका एक एक्सेप्शन भी है, दही, दही भी सड़ने से ही बनती है, ठीक है, फर्मेंट करा जाता है, दूध का फर्मेंटेशन करा जाता है, ठीक है, तो वो इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन हर चीज़ का मिलेगा, खासतौर तौर पर जितने भी केमिकल प्रोसेस हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके नेचुरल चीज़ों के पास रहिए। जो बॉडी है वो बहुत अच्छी बॉडी है, जो बॉडी मिली हुई है नेचुरली, जो भगवान की है, बहुत अच्छी बॉडी है, उसका कबाड़ा मत कर देना किसी लफंगे की बात में। आपको बता रहा हूँ, जितने भी आसपास जो जिम खुले हुए हैं वहाँ पर एक भी आदमी जो ट्रेनर है, कोई एक आधा एक्सेप्शन हुआ तो हुआ, नहीं तो ज़्यादातर अनपढ़ गंवार लोग बैठे हुए हैं, और वो पढ़े लिखों को पढ़ाते हैं, पढ़े लिखों को समझाते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, और वो भी हाँ हाँ भैया ने कहा था, भैया की बॉडी बहुत अच्छी थी, मैं भी करूँगा, नहीं वो आप किसी को सिखाओगे ना तो वो आप पर हंसेंगे, एक्चुअली उनकी उनको पता ही नहीं है, अभी उनको पता ही नहीं है, वो बहुत जल्दी उनकी लाइफ कॉलेज में भैया चलिए। तो अब जरा देखिएगा, ये जो चीज़ है हमने अभी तक सिर्फ दो पॉइंट्स देखे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स में, कि बॉडी के लिए जब हम जो हमारे नॉस्ट्रल्स हैं, नॉस्ट्रल्स में जो फाइन हेयर है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, और बॉडी में नॉस्ट्रल्स के अंदर जो म्यूकस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फिल्ट्रेशन करता है, हेयर का फिल्ट्रेशन करता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, और स्मोकिंग वाला क्वेश्चन पेपर में आता है, इस वजह से वो डिस्कस किया मैंने, कि स्मोकिंग क्या करती है, स्मोकिंग जो आपके फाइन हेयर्स हैं नॉस्ट्रल्स के उसको डैमेज करती है। हाउ स्मोकिंग डैमेजेस योर रेस्पिरेशन एंड हाउ स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, ये कितने तो दो नंबर का आप देखेंगे ना, एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में साइड में लिखा हुआ भी है थिंग्स टू नो, तो अगर एनसीईआरटी में किसी के पास हो उसमें स्मोकिंग वाला पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक, तो है भी है निकालो,
ऐसा ही होता है अभी तक अंदर जितनी भी लाइन है उसमें बोलती हैं अब 15 नंबर का क्वेश्चन पड़ा अब उसमें से ये कोई सीधे नहीं क्वेश्चन आ जाएंगे भाई क्वेश्चन से ज्यादा बायो की एग्जैटिक में हर लाइन में क्वेश्चन होता है देखो डायरेक्ट क्वेश्चन वीडियो डाल के बेटा ये आ जाएगा ये भाई की बात है कितनी कर रहा ऐसे ना हो कि एकदम से अंदर सांस भर जाए ठीक है
The rings of cartilage are present in the throat. These ensure that the air passage does not collapse. Air passage ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोलैप्स ही कर जाए, एकदम गिर जाए या एकदम से हाई की तरफ चला जाए. एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, तो एयर धीरे धीरे अंदर जाए, ग्रेजुअली अंदर जाए. विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स विच फाइनली टर्मिनेट इन बलून लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एल्वियोलाई. एल्वियोलाई का जो सिंगुलर है वो होता है एल्वियोलस. ठीक है, तो क्या होता है कि यही जो है इसमें से देखने में ऐसा लगेगा ये पूरा लग गया. इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा लंग होगा और दूसरे लंग के अंदर भी इसी तरीके से एल्वियोलाई जो है उनका स्ट्रक्चर ऐसे फैलता जाएगा, पूरे में एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर फैलता रहेगा. एल्वियोलाई क्या होते हैं, एल्वियोलाई ना बलून के जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, जैसे मतलब कॉन्ट्रैक्टेड सिकुड़ा हुआ बलून हो और फिर जैसे ही हम सांस लेते हैं तो ये जितनी भी एल्वियोलाई है ये एकदम से फूल जाती है. अच्छा, अब जब ये फूल जाती है तो फिर ऑक्सीजन का पैसेज होता कैसे है, तो ये जो एल्वियोलाई है इनका जैसे मान लीजिए बलून बोलते हैं तो बलून की जैसे सरफेस है, बलून की सरफेस है, आप ये देखेंगे कि बलून की सरफेस है, हमने बलून को फुलाया तो उस पर लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे. अब हमने उसको फुलाया तो वो बड़ा बड़ा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है हैप्पी बर्थडे. ठीक है, तो एक तरह से उस पर इम्प्रिंटेड है वो चीज़. तो इसी तरीके से जो एल्वियोलस की एल्वियोलाई की जो सरफेस है उस पर बारीक बारीक छोटी 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 जो है वो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो ब्लड वेसल्स हैं. अब जैसे ही वो फूलेगा तो जैसे ही वो फूलेगा तो वो जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड वेसल्स के जो पोर्स हैं वो भी खुल जाएंगे. जब वो खुलेंगे वो ऑक्सीजन उनके अंदर वो एब्जॉर्ब करेंगे. ठीक है, इस तरीके से होता है, उसमें ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है एल्वियोलाई के. ठीक है, ठीक. अब देखिएगा नेक्स्ट है, विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स व्हिच फाइनली टर्मिनेट इन बलून लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच आर कॉल्ड एल्वियोलाई, जिसका सिंगुलर है एल्वियोलस. नेक्स्ट पॉइंट है, द एल्वियोलाई प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस. एल्वियोलाई में उसी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, मतलब ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, वो वहीं पर होता है. द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. तो जो एल्वियोलाई की जो वॉल्स होती हैं उन पर एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है, बारीक 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 ब्लड वेसल्स होती है बहुत सारी. क्या कैपिलरीज, वेसल्स, आर्टरीज, इस पर तो आएंगे आराम से. कैपिलरीज क्या काम करती है, आर्टरी और वेन के बीच का जो कनेक्शन है, कनेक्शन का काम कैपिलरीज करती है. ठीक है, आर्टरीज थिक वॉल्ड होती है और जो वेन्स हैं वो थिक वॉल्ड होती है, पतली होती है, वो मोटी होती है. अच्छा, अब है नेक्स्ट पॉइंट, एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर्स. अर्लियर ईयर्स का मतलब जब से हम पैदा हुए हैं तब से, हम पुराने सालों की बात करते हैं कि जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं. एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर्स, क्या वेन वी ब्रीद इन वी लिफ्ट अवर रिब्स. तो हमने देखा कि जब हम ब्रीद इन करते हैं, हम सांस लेते हैं तो हमारे जो रिब्स हैं वो फूल जाते हैं, ऐसा होता है जैसे हमने रिब्स को लिफ्ट अप कर दिया हो. वी लिफ्ट अवर रिब्स एंड फ्लैटन अवर डायफ्राम. तो जो हमारा डायफ्राम है, ये जो पूरा डायफ्राम है, ये डायफ्राम जो है मतलब जो ये पूरा का पूरा जिसको हम पसलियाँ बोल देते हैं, पसलियाँ, हाँ, तो ये जो डायफ्राम है ये फ्लैट हो जाता है, इसका ये कर्व्ड शेप नहीं रहती, ये फ्लैट हो जाता है, सीधा हो जाता है, यहाँ से ये सीधा, यहाँ से ये सीधा, ऐसा हो जाता है. एक्चुअली पीछे भी है ये पीछे भी है. तो वी लिफ्ट अवर रिब्स एंड फ्लैटन अवर डायफ्राम एंड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर एज अ रिजल्ट. तो जो चेस्ट कैविटी है, चेस्ट का जो एरिया है, वो ऐसा लगता है जैसे फूल कर लार्ज हो गया. ठीक है, खुशी से सीना फूल जाना, खुशी से फूल गया. एक चीज और भी होती है, जैसे एक मामला था खुशी से सीना फूल जाना, ऐसे एक और मुहावरा
हाँ जब नंबर कम आते हैं ना तब ये भी आता है कि शर्म से सर झुक जाना, ये भी होता है, सर झुकता है ना, उसमें सर झुकता है, वो भी याद रहे, वो भी याद रहे, सभी बच्चों को याद रहे। चलिए आगे चलते हैं, सर वो मुहावरा यूज करने का मौका नहीं देते क्या? तुम आगे बैठ जाओ, उसे कब भी बोला था पीछे बैठा करके। फिर है बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सप्लाइड टू द लंग्स एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वियोलाई। तुम्हारे स्कूल में एक लड़का पढ़ता था, दो तीन साल पुरानी बात है, उसको मैं ऐसे टोकता था जैसे इसको टोकता हूँ, ठीक है? तो मुझे पता नहीं था कि उसको अंदर ही अंदर ये चीज़ बुरी लग रही है, इसको भी लग रही होगी, लेकिन ये भी सुनाएगा मेरे को, मेरे को सुना के गया, सुना के गया। क्या कहता है कि जैसे क्लास खत्म हो गई, तो क्लास खत्म होने के बाद मैंने कहा क्या कह रहा सर कुछ बात करनी है आपसे, जैसे जैसे नाम छोड़ो आपकी प्रॉब्लम क्या ही होता मेरे पीछे पड़े रहते हो, मेरे पीछे पड़े रहते हो, तो कभी ये कर ले, कभी वो कर ले, कभी ऐसे कर ले, कभी वैसे कर ले, हम चाहते क्या हो? मैं जीना छोड़ दूँ तो बैठने के बाद तो जीना बच्चो, तो जीना बच्चो, तो कह रहे कि नहीं आप हमेशा मेरे को ही बोलते रहते हो, है ना, उसको तो कभी नहीं बोला, उसको तो कभी नहीं बोला, जाओ मैं आपसे बात नहीं करता, चलो ही है ना, जाओ मैं आपसे बात नहीं करता। फिर आता है दो तीन दिन बाद आता है, दो तीन दिन तो नाराजगी में आया, ट्यूशन नहीं आया, फिर तीसरे चौथे दिन आता है, तीसरे चौथे दिन आके आके बोलता है, कहता मैं आ गया हूँ क्योंकि मेरे को जबरदस्ती मेरी मम्मी ने भेजा, ठीक है? हाँ हाँ, इट डजंट मीन दैट कि आप बहुत अच्छे टीचर हो, मैं आपकी टीचिंग से इम्प्रेस होकर आया। अच्छा ठीक है, तो फिर थोड़ा सा इधर से निकला, फिर वापस आकर बोलता है, और सबसे पहले आ गया था तो और कोई बच्चा नहीं सुन रहा था इस बात को, फिर आकर मेरे को बोलता है, और हाँ बात तो मैं आपसे अभी भी नहीं करूँगा। मैंने कहा ठीक है, फिर बैठ गया चुपचाप, फिर दो चार पाँच दिन बाद फिर धीरे धीरे करके हो गया। तो तुम्हें तो बुरा नहीं लगता? नहीं नहीं नहीं, हर स्कूल में। चलिए जी, अब इसके बाद देखते हैं, बिकॉज ऑफ दिस तुम्हें क्या हो गया? कौन सा काम है? एसएसटी? एसएसटी? सर एसएसटी में ना बहुत काम है, बस पूछो मत। चलिए ठीक है, आगे नोट की, आगे सुनिएगा जरा। Because of this, air is sucked into the lungs and fills the expanded alveoli. तो एयर जो है जब लंग्स में आती है तो ये जो एल्वियोलाई है इसको फुला देती है, फूल जाती है, ठीक है? अरे सूर्यांश मेरी आवाज आ रही है? सूर्यांश आवाज आ रही है मेरी? Because of this, air is sucked into the lungs and fills the expanded alveoli. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इन टू द एल्वियोलाई। अब जो ब्लड है वो बाकी की जो पूरी जो बॉडी है उस बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड लाता है और लाकर एल्वियोलाई को दे देता है। एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर इज टेकन अप बाई ब्लड इन द एल्वियोलर ब्लड वेसल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी। और जितना भी एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई जब बाहर से ऑक्सीजन खींचती है, तो जब ऑक्सीजन यहाँ पर आता है तो एल्वियोलाई में जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स सारी की सारी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर देते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके वो हार्ट को दे देते हैं, ठीक है? तो होता ये है प्रोसेस कि कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी में से आई, एल्वियोलाई के पास डिपॉजिट हो गई, एल्वियोलाई ने उसको लंग्स के थ्रू बाहर भेज दी कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, उसके बाद है ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट। ये जो पूरा ब्रीदिंग साइकिल है जिसमें एयर अंदर जाता है और फिर बाहर हम छोड़ते हैं उसको, द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। तो लंग्स जो है हमेशा थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एयर वो अपने पास स्टोर करके रखते हैं, सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन
टू बी एब्जॉर्ब एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज, तो ताकि पूरा सफिशियंट टाइम मिले ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब होने में और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज होने में, ठीक है। रेजिडुअल अमाउंट ऑफ एयर, रेजिडुअल अमाउंट ऑफ एयर, तो थोड़ा सा एयर वो अपने पास रोक कर रखता है, और लंग्स वो रोक कर क्यों रखते हैं कि नहीं तो अगर मान लीजिए वो रोकेगा नहीं, हर चीज़ का बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ रीज़न है, अगर वो रुकेगा नहीं, अगर रेजिडुअल अमाउंट ऑफ एयर नहीं रहेगा बॉडी के अंदर, तो होगा क्या कि इधर हमने सांस छोड़ी, सांस छोड़ते ही हम बेचैन हो जाएंगे कि तुरंत ऑक्सीजन मिले, क्योंकि ऑक्सीजन बची नहीं है अंदर, हमने पूरी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सब निकाल डाली, अब ऑक्सीजन है ही नहीं, तो फिर ऑक्सीजन आती है, फिर हम सांस आते हैं, बच गया है ना, ऐसा होता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, फिर बॉडी के जो सेल्स हैं वो कहते हैं अरे बच गए, हम भी बच गए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक दी गई, ठीक है। हाँ, ये प्रॉब्लम होती है कि उनके बॉडी में लंग्स में से एकदम से एयर खत्म हो जाती है, फिर वो ये तो प्रॉब्लम है, बीमारी है, एल्वियोमेलाइट ठीक से काम नहीं करते, उनके लंग्स की ही प्रॉब्लम है, मुझे मालूम नहीं, डिटेल में नहीं मालूम। अच्छा, उसके बाद देखिएगा, तो सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज, ताकि ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब होने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज होने के लिए ठीक ठाक टाइम मिल जाए, इसलिए एक रेजिडुअल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हमेशा लंग्स के अंदर सेव रहता है। उसके बाद देखेंगे अगला नोट करके लिखा है इम्पॉर्टेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो हम ये जानते हैं कि ब्लड में एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोल देते हैं, वो जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, हेलो जी, हाँ जी, हाँ जी सर जी, ठीक है, आप मुझे फ़ोन कर देना, मैं तभी छोड़ूंगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा, व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल्स इज लार्ज, तो हम हीमोग्लोबिन की इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल्स इज लार्ज, यानी कि अगर हम ह्यूमन बींग्स की भी बात करें तो बॉडी साइज ठीक ठाक लार्ज है, ठीक है। द डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अब क्या है कि हमने सांस तो ली नाक से, अब नाक से सांस ली, एक मतलब टाइम ड्यूरेशन होता है कि ऑक्सीजन इतनी देर में अंदर गई और फटाफट फिर कार्बन डाइऑक्साइड पहले से तैयार रहती है बाहर निकलने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली, फिर ऑक्सीजन अंदर आई, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली, तो इसमें उतना टाइम नहीं मिल पाता जैसे ऑक्सीजन अंदर गई, तो ऑक्सीजन जो है हार्ट के पास चली गई, हार्ट ने जितना डिस्ट्रीब्यूट करना था वो कर दिया और ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हुई, तो जब ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हुई तो ऑक्सीजन को उतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो बॉडी के सारे पार्ट्स तक जा सके, सारे के सारे पार्ट्स तक, जैसे हम ये कहेंगे कि यहाँ से हमने सांस ली और वो पैर तक ढंग से पहुँची नहीं ऑक्सीजन, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि बॉडी के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है ब्लड के अंदर, तो वो रेड कलर का पिगमेंट होता है उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, एफिनिटी का मतलब है अट्रैक्शन पावर, तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है तो हीमोग्लोबिन ही वो काम करता है कि बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उन सब सेल्स को धीरे 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 डिस्ट्रीब्यूट करता चला जाता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल्स इज लार्ज द डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी इट टू टिश्यूज विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट, तो ऑक्सीजन को जो पिगमेंट है रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी कि हीमोग्लोबिन वो क्या करता है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके और उसको जितने भी सेल्स हैं छोटे से छोटे सेल्स हैं उन छोटे से छोटे सेल्स तक पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन करता है, तो ये इंपॉर्टेंस है हीमोग्लोबिन की। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन विच हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पावर है, अट्रैक्ट कर लेता है। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पसल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स का मतलब है रेड ब्लड सेल्स, तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर ये जो हीमोग्लोबिन है ये प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में आसानी से सोल्यूबल होती है, तो वो वाटर जो है हम जो बोलते हैं कि जो ब्लड है, ब्लड भी ब्लड के अंदर भी वाटर जो है वो मिक्सड है, ब्लड के अंदर भी वाटर है, तो वो उस वाटर में ब्लड का जो वाटर वाला पार्ट है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है, वो हीमोग्लोबिन में नहीं जाती, हीमोग्लोबिन सिर्फ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है एंड हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म इन ब्लड, तो जो ऑक्सीजन है
वो हीमोग्लोबिन में जाकर लग जाती है, चिपक जाती है, और जो ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में डिजॉल्व होकर और फिर लंग्स से कनेक्ट होकर बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो भाई ये आपका पूरा का पूरा रेस्पिरेशन खत्म होता है, न्यूट्रिशन कंप्लीट, रेस्पिरेशन कंप्लीट, अब आपका बचता है ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये वाला जो मैंने पोर्शन, ये वाला जो उसका बना रखा था न्यूट्रिशन वाला और रेस्पिरेशन वाला, ये हमने बनाया मेजरली एनसीईआरटी में से। अब जो ट्रांसपोर्ट वाला पोर्शन है, ट्रांसपोर्ट वाला पोर्शन है लखवीर सिंह में से बना रखा है, तो मेरा हैंड रिटर्न है उसके भी मैं आपको नोट्स फॉरवर्ड करूँगा। आपने जो लंग्स के बारे में बताया था कैसे लेते हैं, इसके एक डायग्राम की तरह लास्ट वाले पेज पे, हाँ डायग्राम जो जिसमें मतलब सब वो लिखा हुआ है, एलवी वाला ही कहाँ पर है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहाँ पर है, डायग्राम कहाँ पर है, वो सब। ठीक है, चलिए जी, फिर आज गुड इवनिंग।